चैनल लाइफ सिंप्लीफाइड बाय सारिका। और ये कौन है नन्हा बंदर? कौन है ये है स्प्रूहा। स्प्रूहा बहुत चाहती थी कि मम्मा मुझे भी ले लो वीडियो में, है ना, इसलिए आज इंट्रोडक्शन स्प्रूहा दे रही है। ओके चलो अभी बाय बाय करो सबको। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। तो हम ये देख रहे हैं एडॉप्शन की सीरीज। फर्स्ट टू पार्ट्स में हमने देख लिया है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस क्या होती है, और सेकंड में देख लिया है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हमको कौन से सबमिट करने पड़ते हैं। ओके तो जो जिन पेरेंट्स ने ये दो स्टेप्स कंप्लीट कर ली है उनको कांग्रेचुलेशंस, यू आर टू स्टेप्स क्लोजर टुवर्ड्स योर बेबी। ऐसे हम देखने वाले हैं एचएसआर की प्रोसेस। ओके तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप उस एजेंसी में जाइए जो आपने एचएसआर के लिए सिलेक्ट करी है। वहां पे जाने के बाद उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होगा जिनको सोशल वर्कर भी बोलते हैं या तो काउंसलर भी बोल सकते हो आप, तो वो आपसे पर्सनली मिलेंगे, आपको एडॉप्शन की प्रोसेस डीपली वो भी समझा देते हैं, और उनकी तरफ से भी उस एजेंसी का भी एक फॉर्म होता है वो आपको फिलअप करके देना होता है। साथ ही साथ उसको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाती है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या सजेस्ट करूंगी, दो थिंग्स आप उनको पहला तो ये पूछ लीजिए कि कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है क्या जो इंग्लिश में कराने बहुत जरूरी है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मेरा स्टेट महाराष्ट्र है, मैं महाराष्ट्र से ये प्रोसेस कर रही हूँ, तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आएंगे मराठी में, और इनकेस मुझे किड्स की प्रोफाइल आई राधर दैन महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू, हरियाणा, विच एवर स्टेट, तो उस स्टेट में मराठी रीडिंग नॉट पॉसिबल। तो वहां पे क्या करते हैं वो लोग, क्या हमको स्पेसिफिकली बोलते हैं कि प्लीज आप इंग्लिश में बना के लाओ ये डॉक्यूमेंट। हिंदी में हो सकता है तो हिंदी में भी, लेकिन इंग्लिश में कन्वीनियंट ही होता है फिर। तो अगर इंग्लिश में जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स रहते हैं 3 या 4, वो किड्स की जहां से आपको प्रोफाइल आएगी वहां पे आपको देने ही पड़ते हैं। तो इसलिए आप जो एजेंसी के जो काउंसिलर है, जो सोशल वर्कर है, उनसे बोल के ये बात सॉर्ट कर लीजिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो हम इंग्लिश में करा सकते हैं। ओके और सेकंड मेरी तरफ से सजेशन ये रहेगा कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आपको 3-3 सेट में करा के लेना इम्पॉर्टेंट है। तीन सेट्स में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैरिज सर्टिफिकेट आपको अटैच करने को बोला है तो उसके 3 जेरोक्स आपको कराने पड़ेंगे। ऐसे ही रिस्पेक्टिव हर एक डॉक्यूमेंट्स के आपको 3 सेट्स कराने हैं जेरोक्स निकाल के। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप प्लीज उन्हीं से एक बार ये कंफर्म करा लो कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसका 3 सेट में जेरोक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है तो उसका सिर्फ एक ही जेरोक्स निकालो, जिनकी जरूरत है उनकी 3-3 जेरोक्स निकालो, ऐसे 3 फाइल्स बनाओ। 3 फाइल क्यों लगते हैं, एक फाइल पेरेंट्स के को रहता है, एक फाइल जाती है एचएसआर की एजेंसी में, और एक फाइल जाती है जहां से बेबी की प्रोफाइल आई, अगर वो सेम स्टेट से भी आया होगा बेबी या रादर स्टेट से भी आया होगा तो भी, जहां से बेबी का प्रोफाइल आया है वहां पे जाती है 3rd फाइल। ओके तो अभी ये जो उनकी तरफ से डॉक्यूमेंट की लिस्ट आई है आप ये ज्यादातर कोशिश करो विद इन 8 या 15 डेज आप ये सबमिट करा लो। ओके आप ही के लिए अच्छा होगा, आगे की प्रोसेस उतनी क्विक हो जाएगी, जितनी आपकी प्रोसेस क्विक होगी उतना जल्दी आपका एचएसआर होगा, एचएसआर होने के बाद आपका रिपोर्ट कारा को सबमिट होगा तो आपको वेटिंग लिस्ट का नंबर मिलेगा। ओके वंस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, आपकी ओरिजिनल की एक फाइल अलग से करो सेम उसी सीरीज के अकॉर्डिंगली, उन्होंने जो मेंशन किया होगा डॉक्यूमेंट की लिस्ट उसके अकॉर्डिंगली एक ओरिजिनल की फाइल इसे अच्छे से अरेंज करा लो और सेम जेरोक्स की फाइल्स। ओके ओके तो ये फाइल्स आपने सबमिट कर दी तो मेक श्योर आप तभी उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए कि एचएसआर के लिए, मतलब होम स्टडी रिपोर्ट के लिए आप कब हमारे घर आ रहे हो, तो उनके कन्वीनियंस से, आपके कन्वीनियंस से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये डिसाइड कर लीजिए। अगर हो सके तो उसी दिन, नहीं हुआ तो ऑन कॉल तो हो ही जाता है, लेकिन क्यों अपॉइंटमेंट क्यों लेनी है, तो आप भी मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि आज वो लोग आने वाले हैं, यू विल बी फ्री फॉर होल डे, है ना, इसलिए। ओके तो होम स्टडी के लिए जब सोशल वर्कर आपके घर पे आते हैं तो वो जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं वही डॉक्यूमेंट्स टैली करते हैं आपके घर आने के बाद।
ओके, तो वो मैं पॉइंट्स में समझाने की कोशिश कर रही हूँ मेरी तरफ से। तो फर्स्ट मेन पॉइंट वो क्या देखते हैं, साइकोलॉजी ऑफ पेरेंट्स। ओके, तो साइकोलॉजी में वो क्या देखेंगे, क्या हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चे के होने वाले मम्मी एंड पापा, दोनों रेडी हैं अडॉप्शन प्रोसेस के लिए, मतलब दोनों कॉन्फिडेंट हैं कि हमको अडॉप्ट करना ही है, या किसी एक पार्टनर की वजह से, या तो हस्बैंड या तो वाइफ, कोई एक बोल रहा है कि करना है करना है, इसलिए दूसरा उसको सिर्फ कि हाँ चलो करते हैं करते हैं, ये सिर्फ वो जांच परखने की कोशिश करेंगे। और सेकेंडली क्या, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो कोई पॉइंट नहीं है। सेकेंड क्या होता है, अगर आप ज्वाइंट फैमिली को बिलोंग करते हो तो आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं तो क्या वो भी एडॉप्शन प्रोसेस को उतना हेल्दीली ले पा रहे हैं, क्या वो रेडी हैं, इतना देखते हैं। कोई ऐसा नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ ये क्यों करते हैं इतना सब कुछ, तो पहले आपको ये जानने की बहुत जरूरत है। एचएसआर मेनली होता ही है बेबीज के लिए, तो कारा वही देखता है कि क्या जो हमारे बेबीज जा रहे हैं वो घर सेफ है हमारे बेबी के लिए, इसलिए इसलिए इतने डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। तो अगला पॉइंट क्या देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस। तो फाइनेंशियल स्टेटस में वो क्या देखेंगे, मेनली आपके डॉक्यूमेंट्स से तो ये साबित हो ही जाता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। स्टेबल चाहिए उनको पेरेंट्स फाइनेंशियली, ऐसा नहीं है कि लखपति चाहिए करोड़पति चाहिए, ऐसा नहीं है। उनको पेरेंट्स जो हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल इसके लिए चाहिए क्योंकि वो उनके बच्चों को अच्छे से संभाल पाए। तो ये क्या होता है, कभी कभी ये सिर्फ वही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से तो गुजर नहीं रहे हो, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। और प्रैक्टिकली चेक करते हैं जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे, अगर आपकी शॉप है तो प्रैक्टिकली वहां पे जाके विजिट करना पसंद करेंगे। ओके, पॉइंट क्या है, बैकग्राउंड ऑफ दैट कपल और दैट पर्टिकुलर फैमिली। तो इसमें क्या करेंगे, क्या करते हैं वो लोग, इन केस अगर कोई ऐसा बुरा वक्त आ ही गया जहां पे मम्मी और पापा, बच्चे के होने वाले मम्मी एंड पापा दोनों भी एट ए टाइम बाहर हो, मतलब उनको बाहर जाना पड़े। फॉर एग्जांपल मैं एडमिट हो गई, मैंने बेबी अडॉप्ट करी है, मेरे पास मेरा हस्बैंड हॉस्पिटल में रुका है, तो बेबी के पास कौन है घर पे। तो इसके लिए इस बैकग्राउंड में क्या चेक किया जाता है कि आफ्टर पेरेंट्स कौन देख सकता है बेबी को, अगर ये वाइफ के मम्मी एंड पापा या हस्बैंड के मम्मी एंड पापा, वो इस बैकग्राउंड स्टेटस में वो क्लियर हो जाता है। मैरिड लाइफ, तो इसमें क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर कपल हैं उनकी शादी को 5 इयर्स कंप्लीट हुए हैं क्या, वो पहले तो टैली होता है। और फिर इमोशनल बिहेवियर वो चेक करते हैं। इमोशनल बिहेवियर में क्या करते हैं, वर्बली वो चेकआउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पॉइंट्स एग्री करते हो, मतलब आप सहमत हो या नहीं, ये क्यों वापिस सेम वही, आपके कहीं झगड़े तो नहीं होते, वो चेकआउट करते हैं वो लोग। ये क्यों, क्योंकि इसका बच्चे पे असर हो सकता है इसलिए। अभी ये जो सारे पॉइंट्स में मैंने लेने की कोशिश करी है, ये कारा के गाइडलाइन में भी आपको मिलेंगे, ये सारे पॉइंट्स वहां पे क्लियरली ब्रीफली मेंशन है। आप गूगल पे जाके कारा गाइडलाइंस फॉर एडॉप्शन डाल के सर्च कर सकते हो, या तो एचएसआर के लिए क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो गूगल पे जाके डालोगे तो भी सारे यही पॉइंट्स आएंगे जो मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश करी है। ओके, अभी उसके आगे मैं आपको एक सजेशन दूंगी, आप उनको प्लीज ये पूछ लेना कि हमें जब बच्चा हमारे घर पे, ये क्वेश्चन वो आपको पूछते ही पूछते हैं, पूछ लो कि बच्चा अगर घर पे आएगा तो हम उसको कैसे समझाएं, उसको कैसे बताएं कि ही इज अडॉप्टेड, ही और शी अडॉप्टेड है, ये बताना ही पड़ता है, ये बताना ही होता है, ये क्यों, इसका क्वेश्चन का आंसर वो लोग आपको बहुत अच्छे से देंगे। तो ये मेरी तरफ से सिर्फ आपको एक सजेशन रहेगा, प्लीज ये पॉइंट आप मतलब पक्का वाला उनके साथ डिस्कस करना ही करना, क्योंकि घर पे आते हैं तो बहुत फ्री टाइम रहता है, बहुत रिलैक्सिंग सिचुएशन में आपका उनके साथ जो है कोऑर्डिनेशन इंटरेक्शन हो जाता है। ओके, तो अभी एचएसआर की जो प्रोसेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप सभी को बहुत बेस्ट ऑफ लक इसके रिगार्डिंग। आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चन आपके होंगे, तो प्लीज मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मेल आईडी पे पूछ लीजिए। और हाँ, एक पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका मुझे रिपीटेटिवली मेल आ रहा है कि प्लीज हमारा नाम डिस्क्लोज मत कीजिए। नहीं भाई साहब, बहन जी, मैं किसी का भी नाम डिस्क्लोज नहीं करने वाली हूँ। मुझे जितने भी मेल आए हैं, मैं समझती हूँ ये टॉपिक कितना सेंसिटिव है, इसीलिए मैं जितना सेंसिटिवली हो सके मेरी तरफ से मैं हैंडल कर रही हूँ।
मैं सिर्फ आपके क्वेश्चन के आंसर्स कर रही हूँ जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंगली, ओके। कभी भी किसी भी पार्ट में किसी भी कपल का नाम नहीं आएगा, ओके। तो अभी सेम, अगर किसी का मेल का रिप्लाई बाकी हो तो प्लीज मेल मी अगेन, ओके। और इसके रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हो, सिर्फ HSR के रिलेटेड के ही क्वेश्चंस डालना प्लीज। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे ये एडॉप्शन के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ओके। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मत भूलिए।